कोविड-19 की रोकथाम के लिए महापौर सीताराम जायसवाल ने सभी पार्षदों से अपील किया है कि अपने अपने क्षेत्रों में जागरूकता फैलाएं और लोगों को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए प्रेरित करें। महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा कि कोविड-19 के प्रभाव के नियंत्रण हेतु प्रदेश सरकार ने कमेटी बनाई है। उसके द्वारा किए गए सर्वेक्षण में यह पाया गया कि बहुत से नागरिक महानगर में बिना मास्क घूम रहे तथा बहुत से स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, जिससे कोरोना की महामारी फैलने का अंदेशा बढ़ गया है। अगर स्थिति यही रही तो कोरोना संक्रमण बढ़ता है तो दोबारा लॉकडाउन लगाया जा सकता है। महापौर ने महानगरवासियों से अपील किया है कि कोरोना महामारी से बचाव हेतु मास्क अवश्य लगाकर ही बाहर निकले, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें एवं शासन के निर्देश का कड़ाई से पालन करें। महापौर ने कहा कि अधिकारियों से विचार विमर्श कर सभी पुलिस बूथ से आने जाने वाले लोगों की जांच कराकर बिना मास्क लगाए वाहन आदि चलाने पर उसके विरुद्ध शासन के निर्देशानुसार जुर्माना आदि लगाते हुए मौके पर ही जो मास्क नहीं लगाए हैं उन्हें मास्क भी दिया जाए। साथ ही 2 गज की दूरी बनाकर कोई भी कार्य एवं जहां तक संभव हो भीड़ भाड़ में जाने से बचाव किया जाए तथा 2 गज की दूरी का विशेष ध्यान रखा जाए। साथ ही शासन की गाइडलाइन का कड़ाई से पालन किया जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, के आप कुछ पार्षद लोग बैठे थे तभी कोविन पर नियंत्रण के लिए प्रदेश सरकार ने एक कमेटी बनाई थी। वो 2-3 दिन पहले यहाँ पर आई थी और पूरे शहर का मुआयना किया था और मुआयना में ये देखा था कि बहुत से नागरिक कोविड-19 के खिलाफ सोशल स्टैंडिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, जिसके कारण गोरखपुर ज़्यादा संक्रमित होने की संभावनाएं बढ़ गई है। उन्होंने सबों से रिक्वेस्ट किया था सभी लोग मास्क लगाएं। मास्क नहीं लगाएंगे, दूरी बना करके अपना कार्य नहीं निपटाएंगे, अगर कोरोना बढ़ेगा, यहाँ के लोगों पर खतरा उपस्थित होगा तो लॉकडाउन लगाने की उन्होंने घोषणा की थी कि हम फिर लॉकडाउन करेंगे। इस संबंध में मैंने अपने कुछ पार्षदों के साथ यहाँ पर उपस्थित थे, हमने बात किया कि हम लोग नागरिकों को प्रेरित करें अपने अपने वार्ड में कि घर से निकलते समय मास्क लगाएं और सरकार के जो दिशा निर्देशन है 2 गज की दूरी बनाए रखें। अब बहुत आवश्यक कार्य होने पर ही घर से निकलें, अनावश्यक न निकलें, साबुन से हाथ धोएं और अपने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो दवाएं बाज़ार में उपलब्ध है उसका सेवन करें, क्योंकि जब तक इसका टीका नहीं आ जाता बाज़ार में कोरोना का संकट खत्म नहीं होने वाला है। इस पर सारे पार्षदों ने सहमति व्यक्त की थी और हम लोग ने कुछ ऑर्डर दिए हैं मास्क के खरीद करके, उसे हम लोग पुलिस बूथ के माध्यम से उन लोगों को देने की कोशिश करेंगे जो लोग बिना मास्क लगाए शहर में घूम रहे हैं। उस पर पुलिस नियम तक कार्रवाई भी करेगी और एक मास्क उनको देगी। एक मास्क हम लोग पुलिस बूथों पर सप्लाई करेंगे।